साथ एक नई जगह पर और एक नए फूड का रिव्यू करने। तो दोस्तों वैसे तो आपको पता हो कराची में बेतहाशा ब्रांड्स खुल चुके हैं बर्गर्स की, और हर जगह का बर्गर डिफरेंट है, और मैंने भी बेतहाशा जगहों का ट्राई किया हुआ है। तो मुझे दोस्तों से यार रिकमेंडेशन मिली कि यार गुलिस्तान जौहर से आगे एक जगह है हैश फूड, तो वहाँ के दो बर्गर्स हैं जो बहुत मशहूर हैं, तो मैंने बोला यार वहाँ चलते हैं और थोड़ा सा वहाँ के बर्गर्स का रिव्यू करते हैं। एक्चुअली हम लोग ना बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, तो भाई हम यहाँ पर आए हैं, पहले हम बर्गर टेस्ट करेंगे उसके बाद बताएंगे कि यहाँ के बर्गर कैसे हैं। दोस्तों ये जो जगह है ना, जिस जगह पर मैं आया हूँ, इस जगह का नाम है हैश फूड, ठीक है। और यहाँ की स्पेशलिटी जो है दो बर्गर्स हैं, शपाटर बर्गर और आहा बर्गर, जो कि हमने बेसिकली इट्स नॉट अ रेस्टोरेंट, इट्स लाइक अ शॉप। जैसे कि आप देखते हैं ना कि बहुत बड़ी ब्रांड्स वगैरह खुली होती है, शॉप है, लेकिन यहाँ का बर्गर बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। लाइक मैंने अक्सर लोगों से देखा सुना कि यार यहाँ का बर्गर बहुत बेहतरीन है, तो यार हमारा काम है फूड के बारे में रिव्यू देना, ठीक है। वो जगह बड़ी हो छोटी हो डजंट मैटर एट ऑल फॉर मी। तो हमने ऑर्डर कर दिया, तो दोस्तों वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम ट्राई करके ऑनेस्ट रिव्यू देंगे भाई यहाँ। आपको रिव्यू देना चाहूंगा कि भाई ये जो बर्गर आहा बर्गर था ना, ये नाम का आहा नहीं था बल्कि वाकई आहा बर्गर था, बहुत ही बेहतरीन। तीन फिले थे इसके अंदर, दो चीज डाले हुए थे, और चीज भी वो नहीं कि यार लोकल डाल दो, बेहतरीन, ठीक है, बेहतरीन चीज डाला, और बर्गर की क्वांटिटी इतनी लश थी ना यार, खाकर बहुत मजा आया। तो मेरी तरफ से यार 10 out of 10 इसको बनते हैं। एक्चुअली ये नई जगह है जो कि लोगों को अभी नहीं पता, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि इस जगह पर आए, शपाटर बर्गर खाएं या आहा बर्गर खाएं, दोनों बर्गर यहाँ पे बेहतरीन है, ठीक है। क्वांटिटी भी अच्छी है और प्राइस भी बहुत बेहतरीन है।
मैं अक्सर जगहों से ऐसे बर्गर खाता रहता हूँ जिस तरह का 3 फिले वाला बर्गर था ना, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन 2-3 जगहों से खाए हैं तो 600, 599 ऐसे ही होते हैं। तो यार ये 350 में कोई ज़्यादा प्राइस नहीं थी, बर्गर भी बहुत बेहतरीन था, क्वालिटी भी अच्छी है, प्राइस भी बहुत अच्छी है, मतलब तो इतनी ज़्यादा नहीं है, और साथ में प्राइस वगैरह मतलब बहुत ही बेहतरीन बर्गर था। तो मेरी तरफ से यार रिकमेंडेड प्लेस है। बाकी ये कि मैं आपको यहाँ इसकी जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक वगैरह है, जो लोकेशन है, वो भी डाल दूंगा, और यहाँ पे विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यू स्टार्टअप को प्रमोट करें, क्योंकि स्टार्टअप आगे जाएंगे तो ऑब्वियसली ये ब्रांड बनेगा। दोस्त है जिसने मुझे ये जगह रिकमेंड किया ना, उसने बताया कि बाबर भाई जोहर की तरफ है एक छपाटर बर्गर। पहले तो यार मैं हंसने लग गया कि यार छपाटर बर्गर कोई बर्गर होता है। फिर मैंने वाकई गूगल पे सर्च किया तो मुझे इसकी लोकेशन मिली और मैंने इनका मेन्यू देखा, वाकई वहाँ पे छपाटर बर्गर था, और मैंने काफ़ी रिव्यूज़ देखे कि यार इनका छपाटर बर्गर बहुत मशहूर है। तो यार इसी वजह से मैं आया हूँ। बहुत सारी जगह जहाँ पे ऐसा बर्गर मिल रहा है लेकिन रेट में फ़र्क है, यहाँ का बर्गर मैंने सुना है चीप प्राइस में भी अच्छा है और क्वालिटी भी उसकी अच्छी है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर अपने व्लॉग को एंड कर रहे हैं, बस हमने ये वीडियो बनानी थी एक नए स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए, तो इन्होंने हमें इनवाइट नहीं किया था ना ही हम किसी से, बस हमें दोस्तों ने रिकमेंड किया था तो हम यहाँ पर आ गए और हमने यहाँ का फूड चेक किया और बहुत ही अच्छा लगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ पर आएँ, विजिट करें और यहाँ का फूड ज़रूर ट्राई करें। तो उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा, बाकी इसकी लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मोहम्मद बाबर को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।